अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। ओके, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड मल्टीपल अलाइनमेंट की, एंड हमने डिफरेंस देखा था पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल अलाइनमेंट की वर्किंग में थ्रेटिकली। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द pairwise alignment software that you can use to align two sequences globally, okay? तो local alignment जो थी, अगर हमने two sequences की local alignment करनी है तो उसके वो मैंने आपको बताया था, हम already जो है वो blast पे कर चुके हैं। and for the global alignment of pairwise sequence हम लोगों ने जो है EBOSS का pairwise tool जो था वो यूज़ किया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को उसकी समझ आई होगी, बिकॉज यू डिडंट आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट लेक्चर। तो मैंने सोचा कि आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मे बी वो ईजी था, आप लोगों को अच्छी समझ आ गई हो, या आप लोगों ने वो लेक्चर देखा ही नहीं है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मल्टीपल अलाइनमेंट से पहले आपने पेयर वाइज अलाइनमेंट का टूल जो है वो यूज़ करके देखना है और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल अलाइनमेंट की तरफ जाना है। और इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको ऑलमोस्ट हर थोड़े लेक्चर के बाद याद करवाती हूँ कि जिस स्टूडेंट को डेटा रिट्रीव नहीं करना आता अभी तक NCBI से, तो या जिसने लाइक ट्राई ही नहीं किया उसको रिट्रीव करने का, तो उसको पेयर वाइज अलाइनमेंट या कोई भी टाइप की अलाइनमेंट वगैरह जो हैं या ब्लास्ट वगैरह अगर आप परफॉर्म करना चाहो तो उनको इनकी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब तक सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपने ब्लास्ट रन करवाना है, अगर आपने कोई भी अलाइनमेंट करवानी है, तो उसमें पहला स्टेप होता है कि हमें डेटा रिट्रीव करना आना चाहिए NCBI से, वो डेटा जिस पे हम फर्दर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, ब्लास्ट करवाना चाह रहे हैं या कोई अलाइनमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को दोबारा उनके लिए मैसेज है कि आप सबसे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट ही डेटा रिट्रीवल से करना है, जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दिया हुआ था और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी बार बताया, आज के लेक्चर में भी होगा कि NCBI से मैं आप लोगों के सामने डेटा रिट्रीव करूँगी। फिर भी जिन स्टूडेंट को ना समझ आए, व्हाट्सएप पर ना मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उधर स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर रन ना हो रहा हो या कोई भी इशू आ रहा हो, जैसे आपकी कोई एरर वगैरह शो हो रहा हो, आपका सीक्वेंस का फॉर्मेट ठीक ना हो, तब वो एरर शो कर सकता है। सो देर कैन बी सो मैनी reasons, तो आप मेरे साथ ना WhatsApp ग्रुप में ना शेयर कर सकते हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। आज ना हम लोग मल्टीपल अलाइनमेंट में क्लस्टर W की बात करेंगे, बल्कि मैंने आपको मल्टीपल अलाइनमेंट में दो मेथड बताए थे कि मल्टीपल अलाइनमेंट के पीछे टू टाइप के मेथड्स होते हैं ना, जिनसे सॉफ्टवेयर जो है वो एल्गोरिदम मल्टीपल अलाइनमेंट करते हैं। अब होता क्या है, ये जो अलाइनमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये डिफरेंट पीपल ने पर्सनस ने ना डिज़ाइन किए होते हैं, लोग इंसान ही होते हैं ना जिन्होंने ये एल्गोरिदम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए होते हैं ना। तो मैंने आपको टू टाइप्स बताई थी मल्टीपल अलाइनमेंट के किस तरह से होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कौन सा एल्गोरिदम डिज़ाइन किया होता है, हमारे पास प्रोग्रेसिव मल्टीपल अलाइनमेंट होती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ये ना सारी चीज़ें ना अगर आपको लाइक के मैं ऐसे कर रही हूँ और आपको समझ नहीं आई, सॉरी आप भूल गए हैं, तो यू रियली नीड टू रिकॉल, या मे बी आपने वो लेक्चर देखे हैं नहीं देखे आई डोंट नो, बट आपका दोबारा से जब क्विज होगा ना तब मुझे पता लग जाएगा आपने ये लेक्चर देखे हैं कि नहीं, ओके। अच्छा, दूसरा क्या होता है, आइट्रेटिव मेथड था ना मैंने आप लोगों को बताया, वो अगेन एंड अगेन आइट्रेट करता है, ठीक है, आइट्रेट रिफाइनमेंट मेथड था बल्कि, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रोग्रेसिव मेथड में बताया था हमारे पास क्लस्टर W जो है उसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम रन हो रहा होता है, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड का एल्गोरिदम रन हो रहा होता है। और प्रोग्रेसिव और आइट्रेटिव में मैंने आपको अच्छे से डिटेल से उस लेक्चर में डिफरेंस बताया हुआ है, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आ रही तो आप काइंडली पहले पिछले लेक्चर्स को देखें, ऐसे डायरेक्टली इन लेक्चर्स पर स्विच करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको आइट्रेटिव रिफाइनमेंट का जो मेथड था उसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट पॉपुलर कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, मसल, ठीक है। तो आज ना हम इन दोनों जो है ना मेथड से मल्टीपल अपने डाटा को अलाइन करवाएंगे, मल्टीपल अलाइनमेंट करवा के बल्कि देखेंगे, ठीक है। तो आई वॉज फर्स्ट थिंकिंग कि हम जस्ट क्लस्टर W यूज़ करें, बट देन आई रियलाइज्ड कि इस तरह है कि
क्लॉस्टल डब्ल्यू जैसा आपको प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट देगा, बिकॉज वी डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ द अलाइनमेंट्स, टू मेथड्स ऑफ द अलाइनमेंट. तो हम लोग आइट्रेटिव वाला काम भी करेंगे, और मसल जो है वो ज़्यादातर यूज होता है एज कम्पेयर टू अदर अलाइनमेंट टूल. सो मैनी अलाइनमेंट टूल, वैन यू विल सर्च ऑन द वेब ब्राउजर देन यू विल सी डैट अ लॉट ऑफ अलाइनमेंट टूल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्लॉस्टल डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं. Just need to write it like this. Okay, it's showing that it's a multiple sequence alignment tool. So just need to, if you will click here, it will lead to the main page of the Cluster Lab. So this is the main page, or you can say it's a home page of Cluster Lab. Okay, so as you can see, it said that it's a general setting parameters. कोई भी टूल यूज करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने जैसे यहाँ क्लिक किया वहाँ क्लिक किया और ये सारी चीजें ना हो गई, ऐसा नहीं है. आपने ना इसके बारे में पहले जैसे आपसे कोई भी क्लॉस्टर लब्ल्यू के बारे में पूछे तो आप उसको डिटेल बता सकते हैं कि मल्टीपल अलाइनमेंट का टूल है और इसके पीछे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, प्रोग्रेसिव मेथड. ठीक है, प्रोग्रेसिव में भी आप उसको बड़ा अच्छा समझा सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस लेक्चर में बड़ा अच्छा समझाया हुआ. ठीक है, तो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हमें ना एक्चुअली सॉफ्टवेयर पर काम करना है. दिस इज़ योर प्रैक्टिकल. ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोए होते हैं और मुझे कहते हैं मैडम प्रैक्टिकल, तो बेटा हर एक से दो दिन बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, हर एक से दो दिन बाद प्रैक्टिकल करवा रही हूँ. ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो हैं, और कौन सा प्रैक्टिकल है? आप क्या चाह रहे हैं मैं वहाँ पर आपको वेट की लैब में जाकर डीएनए एक्सट्रैक्शन का काम करवाना शुरू कर दूँ? वो प्रैक्टिकल करना है आप लोगों ने एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन. तो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल. ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स उस दिन क्लास में बात कर रहे थे ना, मैडम प्रैक्टिकल करवा दें, तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं. ठीक है, अच्छा, तो एक तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए इसके पीछे एल्गोरिथम कौन सा रन हो रहा है. दूसरी चीज़ है कि क्लॉस्टर लब्ल्यू जो है हमारे पास, ये ग्लोबल अलाइनमेंट जो है ये करता है, लोकल अलाइनमेंट नहीं करता. ठीक है, क्लॉस्टर लब्ल्यू जो है ये ग्लोबल अलाइनमेंट क्या करता है, और आपको ग्लोबल अलाइनमेंट का पिछले 10 लेक्चर से हमने ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में एक सेकेंड या एक मिनट के लिए बात जरूर की हुई है. तो इस वाले में हम कोई बात नहीं करेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट की. आई थिंक आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है सबसे पहले कि आउटपुट फॉर्मेट जो है हमें कौन सा चाहिए. आउटपुट फॉर्मेट के इस लाइक जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमारे सीक्वेंस पे रन हो के अलाइनमेंट शो करे तो वो किस फॉर्मेट में करे. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था द मोस्ट पॉपुलर वन इज फास्ट ए. तो और आप यहाँ पर फास्ट ए जो है वो चूज़ कर सकते हैं. अब एक तो चीज़ ये है कि अगर आपने जस्ट अलाइनमेंट करवा कर बस शो करनी है आपके पेपर में, रिसर्च पेपर में, उसके बाद बस आपने उस अलाइनमेंट पे सपोज करें, कुछ नहीं करना, वैसे ही कोई स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की तरफ जाना है. तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जाकर प्रेडिक्ट करवाना है, तो अब डिपेंड करता है कि उस सॉफ्टवेयर जो है वो अलाइनमेंट किस फॉर्मेट में आपसे कह रहा है. सपोज आपने उसको फॉर्मेट जो है सी की फॉर्म में दिया है, ये MSF जो है ना, ये मल्टीपल सीक्वेंस इज समथिंग, एक्चुअली आई फॉरगॉट. ठीक है, तो मैं आपको ना इसको दोबारा क्लियर करके बता दूंगी, अगर मेरे माइंड में आ गया तो फिर बता देती हूँ, अदरवाइज आई फॉरगॉट अबाउट दिस वन. तो सबसे हमारे पास जो पॉपुलर है फॉर्मेट जो है वो कौन सा है, फास्ट है. अच्छा, फास्ट ए में ये होता है कि ये लाइक पिछले लेक्चर्स में हमने इसके फॉर्मेट के बारे में बात की हुई है. एक मैंने कहा था ये वाइडली यूज्ड है, आप ये हर सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसे एक्सेप्ट करेगा. तो आपने आंख बंद करके ना बस इस फॉर्मेट को चूज कर लेना है आउटपुट फॉर्मेट के तौर पर. ठीक है, ओके, द सेकेंड थिंग इज पेयर वाइज अलाइनमेंट में आप फास्ट या अप्रॉक्सीमेट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर स्लो एक्यूरेट को करना चाह रहे हैं. ठीक है, अच्छा, जो एल्गोरिथम्स जो है ना वो फास्ट का अगर वहाँ ऑप्शन हो कि हमारे पास दो तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके पीछे कोई एल्गोरिथम बन हो रहा होगा ना, अगर वो कहें हमारा एल्गोरिथम जो है अगर आप फास्ट वाला यूज़ करना चाह रहे हो जो फास्ट उसकी स्पीड ज़्यादा हो जैसे ना जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे, तो उसके रिजल्ट जो है ना इतने एक्यूरेट नहीं होंगे, अप्रॉक्सीमेट. यू नो आई थिंक आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट एंड एक्यूरेट. ओके, तो अगर आप स्लो थोड़ा चाह रहे हो कि थोड़ा टाइम लग जाए इसकी वर्किंग को, ऐसा एल्गोरिथम वो दूसरा है इनके पास, स्लो एल्गोरिथम, लेकिन उसके रिजल्ट होंगे एक्यूरेट होंगे. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज प्रेफर टू दिस वन, स्लो बट इट शुड बी एक्यूरेट, द रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट. ओके, अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक पॉइंट याद आया है जो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करती हूँ. आप ना आपकी क्लास में स्टूडेंट्स वगैरह पूछ रहे थे ना वो वर्ड के ट्रिपल मेथड के बारे में ना,
तो उस लेक्चर में वर्ड के ट्यूपल मेथड का तो मैंने आपको समझाया था जब हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग डॉट मैट्रिक्स की बात की थी ना. तो जो ये के ट्यूपल मेथड है ना, ये हमारे पास या लाइक के ना, ये किस किन एल्गोस के पीछे ये वाला जो मेथड है ये रन होता है अलाइनमेंट का ना. तो द मोस्ट पॉपुलर वन इज फास्टे एंड द ब्लास्ट. तो फास्टे और ब्लास्ट के पीछे जो मेथड होता है ना वर्ड के ट्यूपल मेथड होता है. ठीक है, तो वर्ड के ट्यूपल मेथड भी सेम ये चीज़ है. मुझे फास्ट और अप्रोक्सीमेट देके फौरन याद आया कि आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज थे इस बारे में. तो वर्क के ट्यूपल मेथड में क्या होता है, ये फास्ट और ब्लास्ट के पीछे रन होता है, ये वाला मेथड के थ्रू अलाइनमेंट हो रही होती है. ठीक है, तो ये फास्ट होता है और आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन इज एंटर योर सीक्वेंसेस विद लेबल्स बिलो कॉपी एंड पेस्ट. सो यू नीड टू एंटर हियर योर इनपुट सीक्वेंसेस. And you can use whatever you want, protein or DNA. So I was thinking के पिछले lecture में हम लोगों ने ना DNA के sequence पे alignment करवाई थी ना, pairwise alignment. So this time we will work on protein. Okay. तो students सबसे पहले ना हमें देखना है कि हम alignment जो है, हम अपना input sequence जो है वो कैसे like के, एक तो ये हो सकता है कि आपने पहले से ना अपनी फाइल जो है प्रिपेयर की होगी कोई ना कोई. अगर आप लोग जैसे मैंने क्लास में आपको नोटपैड पे फाइल प्रिपेयर करवाई थी ना फास्टा फॉर्मेट की, और उस पर हमने ब्लास्ट वगैरह रन किया था. और एक दूसरा मैं आप लोगों को आसान सा तरीका बताती हूँ कि आप अपनी फाइल को कैसे इनपुट फाइल को प्रिपेयर कर सकते हो. सो फॉर दिस वन वी नीड टू गो टू NCBI. अब जो मैंने आप लोगों को क्लास में स्टार्टिंग में एक तरीका बताया था कि आपको कोई भी जीन या प्रोटीन लेने हैं, अब ये देखें ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें दो से ज़्यादा सीक्वेंस रखने पड़ेंगे ना मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए. ये तीन हो सकते हैं, चार सीक्वेंस हो सकते हैं. तो एक मेथड ये है जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था कि आप जिन स्पीशीज़ में इंटरेस्टेड हो उनका नाम बारी बारी जाकर यहाँ पर यहाँ पर लिखना है. अच्छा, इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ये जो हमारी सर्च बार है, ये बस ना आप लोगों ने सोचना है कि हम इसको हम बोलते क्या हैं. ठीक है, ये ना हमारा कोई 100 बार इसके बारे में बात हो चुकी है कि इसको क्या बोलते हैं. ठीक है, इसके पीछे कौन सा सिस्टम यूज़ होता है. तो सब स्टूडेंट्स ने जाकर सोचना है कि ये हमारा रिट्रीवल सिस्टम NCBI का क्या है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है. जो EMBL और EBI का स्पेसिफिक रिट्रीवल सिस्टम था उसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी आपने जाकर सोचना है. DDBJ का जो है वो भी आपने रिकॉल करना है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें बिकॉज प्रोटीन का सीक्वेंस लेना है, हम प्रोटीन की अलाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं. तो आई वाज थिंकिंग आई नो अबाउट अ जीन दैट्स MUTS जीन. दिस MUTS जीन एंड इट्स अ प्रोटीन कोडिंग जीन. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू सी इट इन This is a gene name and I want to search it in this bacteria. Okay, let me see. Okay, so it's showing this is a DNA mismatch repair protein MUTS and I said I want to find it in Salmonella, but the first one he said that it's present in Enterobacter, but I want to see it in Salmonella enterica. Okay, the second one is my one. So I will just click here. This is 855 amino acid. Its length is 855 amino acids. Okay. The one thing I wanted to let you know here. एक तरीका ये है जो मैंने आपको क्लास में स्टार्ट में बताया था, तब हम डेटा रिट्रीवल की जस्ट बात कर रहे थे ना, डेटा रिट्रीव करना बताया था कि आप यहाँ फास्टा पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस आता है, आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे या डाउनलोड का वहाँ पर ऑप्शन होगा, आप अपनी डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये होगा कि यहाँ पर रन ब्लास्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने जैसे उसको क्लिक करना है एक बार. सो वी आर हम ब्लास्ट पी पर हैं, डायरेक्टली हमें ये ना ब्लास्ट पी पर लेकर आया है, बट हमने कोई भी चूज़ नहीं किया था. ये हमें डायरेक्टली ब्लास्ट पी पर क्यों लेकर आया है, क्योंकि हमने प्रोटीन के सीक्वेंस पे थे ना, तो इसलिए ये डायरेक्टली हमें ब्लास्ट पी पर ले आया है. तो अगर आप यहाँ से कुछ चेंज भी करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करना नहीं है आपने. ठीक है, तुक नहीं बन रहा चेंज करने का.
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते थे, जब भी ब्लास्ट करवाते थे तो हम यहाँ फास्टर की सीक्वेंस रखते थे, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप एक्सेशन नंबर भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेशन नंबर मैंने नहीं लिखा, ये एक्सेशन नंबर जो है ये सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद लिखा है। ये जो मेरा सीक्वेंस है ना सलमोनेला का, उसने यहाँ पर उसका सीक्वेंस इतना लिखने के बजाय यहाँ पर जैसे उसका एक्सेशन नंबर दे दिया, ठीक है। तो सेकेंड वन इज, यहाँ पर मैंने आपको डेटा बेसिस का, जब ब्लास्ट हमने काफ़ी दिन लगा कर ब्लास्ट पर काम किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था आपने नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंस ये भी डेटाबेस यूज़ करनी है। ये क्यों यूज़ करनी है, यहाँ पर जो होगा आपको नॉन रिडंडेंट डेटा मिलेगा, लाइक के बार बार रिडंडेंट का बताया था ना मैंने आप लोगों को, जो रिपीट रिपीटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ओके, द सेकंड थिंग इज, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, ये ना मैंने कुछ यहाँ खुद से वर्क किया था इसके ऊपर। मेरी जो स्पीशी थी, मुझे पता है मैं MUTS जीन को किसमें मैंने अभी इंटरेस्टेड थी, MUTS जीन थी ना मेरी, मैं सलमोनेला एंटेरिका में इंटरेस्टेड थी ना। तो आपने क्या करना है, उस सलमोनेला एंटेरिका का नाम यहाँ लिखना है, ऐसे करके लिखेंगे ना तो ये ऑप्शंस आएंगे आगे खुद ब खुद। ये देखें, ये सलमोनेला एंटेरिका आएगा, तो इसको यहाँ से करना है, ठीक है, खुद, क्योंकि हमें तो नहीं पता टैक्स आईडी क्या है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। आपने जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद ये सलमोनेला एंटेरिका की दूसरी स्पीशी भी आ रही थी, मैंने दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक्सक्लूड का ये जो बॉक्स है इसको चेक किया है, इसका मतलब है कि मेरा ब्लास्ट जो है अपनी स्पीशी के साथ ही नहीं आ जाएगा, मुझे और स्पीशीज की सीक्वेंसेस आएंगी। अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को, ये काम नहीं करेंगे, अपनी ही सीक्वेंसेस जो हैं इनको यहाँ लिख के एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो ये काम आपने करके देखना है कि यहाँ पर स्पीशीज नहीं लिखनी है ना, ये इसको चेक करना है, एक्सक्लूड करना है, फिर आपने ब्लास्ट करके यहाँ से देखना है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इस चीज़ की। अच्छा, तो जब आप ब्लास्ट करेंगे, ये वाला काम किए बगैर आपने ब्लास्ट करना है, तो ये होगा कि ब्लास्ट में क्या होगा, फिर से आपको सारे के सारे रिजल्ट होंगे वो सलमोनेला एंटेरिका के मिलेंगे। बट सलमोनेला एंटेरिका तो ये है, ये वाला, हम लोग सलमोनेला एंटेरिका में इंटरेस्टेड नहीं है, हम देखना चाह रहे हैं कि सलमोनेला एंटेरिका और किस किस स्पीशी के साथ जाकर रिजेंबलेंस शो करता है। तो सारी की सारी एंट्रीज होंगी ना वहीं से भर जाएंगी, इसलिए वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग से रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ स्पीशी को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ये जब भी जाकर मेरी स्पीशी, ये सलमोनेला एंटेरिका है ना, ये जब जाकर ब्लास्ट करे तो अपनी ही स्पीशी के साथ जाकर ब्लास्ट ना करे, ये दूसरी स्पीशीज के साथ जाकर मुझे बताए कि इसके क्लोज कौन सी और दूसरी स्पीशीज है। तो दैट्स व्हाई आई डिड दिस वर्क। और आपने मॉडल्स और अनकल्चर्ड या एनवायरमेंटल सैंपल्स का मैंने आपको बताया था, ये अगर आपका वैसे बाय डिफॉल्ट ये चेक नहीं होंगे तो आई जस्ट वांटेड टू यूज दीज ऑप्शंस, मैं इनको एक्सक्लूड करना चाह रही हूँ, एक्सक्लूड लिखा हुआ है ना, बिकॉज अगर मॉडल्स या अनकल्चर्ड जो डेटा होते हैं ना वो समटाइम्स ब्लास्ट में आप देखेंगे मॉडल या अनकल्चर्ड डेटा या सैम्पल डेटा आ जाएगा ना, तो आपको उसको फर्दर एनालिसिस के लिए अगर यूज करेंगे तो उन रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो हमारी डेटा बेसिस को ऑलरेडी इतनी ज्यादा उसमें डेटा पड़ा हुआ है, हमें इस तरह के सैम्पल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू यूज सच काइंड ऑफ डेटा। आगे एल्गोरिदम की बात है, तो हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाह रहे हैं, ब्लास्ट पी, बिकॉज प्रोटीन ब्लास्ट, दैट्स व्हाई इट्स ओके। सो वी विल रन द ब्लास्ट, और ये पैरामीटर के ना एल्गोरिदम पे हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस नॉट अ ब्लास्ट लेक्चर, ये हम बात सारी पहले कर चुके हैं। जस्ट क्लिक हियर। सो अगेन मैं बता दूं, तब तक ये पेज जो है वो रन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल है क्लस्टर लव्यू, यहाँ हमने अलाइनमेंट करवा के देखनी है, बट हमारे पास ना अभी डेटा नहीं है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस तो पुट करनी है ना, हम ना NCBI से ना एक्चुअली डेटा जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कम से कम तीन या चार सीक्वेंसेस हों जिनकी हम मल्टीपल अलाइनमेंट करवाएं। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था बारी बारी इसके बजाय कि आप एक एक स्पीशी का डेटा जो है कितनी का डेटा एंटर करना है, दो से ज़्यादा का, तो आप तीन या चार का कर लें, तो बारी बारी आप ब्लास्ट को यूज़ करें कि तीन या चार का डेटा अलहदा अलहदा से आप रिट्रीव करें। अच्छा है कि ये ब्लास्ट का ऑप्शन यूज़ करते हुए आपके पास एक बार ही डेटा आ जाएगा। इंटरनेट So it's showing that 4 seconds passed. अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि ना ये पेज मैम बार बार रिफ्रेश होता है, तो आपने इसको इसका काम करने देना है। जब हम ना वेब का ये ऑनलाइन ब्लास्ट यूज करते हैं ना, ये ऑनलाइन ब्लास्ट है, ठीक है, ये वेब पेज है इसका,
ये हम ऑनलाइन ब्लास्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस तरह ना नेट की स्पीड पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और ऐसे टाइम वेस्ट होना ही होना है, आपको बैठना ही पड़ना है, ऐसे इंतज़ार ही फरमाना पड़ना है. इसीलिए वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ कमांड लाइन ब्लास्ट. ओके, हम वहाँ कमांड लाइन ब्लास्ट को ये होता है कि आप लगा कर एक बार एक सो सीक्वेंस पे लगा कर ना ब्लास्ट रन करके साइड पर रख दो, वो खुद ही रन होकर ना आपके रिजल्ट में एक फोल्डर में दे देगा, तो उससे इंसान इरीटेट भी नहीं होता. तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास लिनक्स सिस्टम आ जाएगा हमारी लैब में, तो हम कमांड लाइन ब्लास्ट यूज़ किया करेंगे. ओके, सो इट्स शोइंग दैट, तो ये किस किस के साथ शो कर रहा है? अच्छा, सेलमोनिला एंटेरिका हमारी स्पीशी थी और MUTS जीन थी, ठीक है. तो अभी हमने सेलमोनिला को ही नहीं लेना, हमने देखना है सेलमोनिला एंटेरिका ने किस किस के साथ किया. अच्छा, ये फिर से जो सेलमोनिला आ रहा है ना, ये वाला सेलमोनिला आ रहा है, तो ये किस लिए आ रहा है? ये और नेम से वहाँ पर होगा, वहाँ ना सेलमोनिला की बहुत ज़्यादा एंट्रीज होंगी. मैंने तो सिर्फ दो लिखी थी ना वहाँ पर एंट्री, आप और भी चेक करोगे, ठीक है. अगर आप और भी चेक करो कि एंटेरिका के अलावा के लिए सेलमोनिला लिखी हो, आप उसको भी वहाँ पर यूज़ करो और वहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर दो, डिफरेंट लाइन्स आपके पास आ जाएंगी. वो एक्सक्लूड वाला काम पीछे मैंने किया है ना, आप करोगे तो ये लाइन्स ये भी नहीं आएंगी फिर, ठीक है. अच्छा देखें, अगर हम आगे जाएं, ये हमारे पास आ रहा है सेलमोनिला बंगोरी, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये सेलमोनिला एंटेरिका के अलावा दूसरी स्पीशीज है ना, तो ये बता रही है सेलमोनिला बंगोरी के ये वाली स्पीशी में भी MUTS जीन है और ये किसके है क्लोजली रिलेटेड जो है सेलमोनिला एंटेरिका के, ठीक है. तो इसका देखें यहाँ पर क्यूरी कवरेज भी बड़ी अच्छी है, 100% है, और इसकी आइडेंटिटी अच्छी है और ई वैल्यू, ठीक है. मैंने आपको बताया था ये तीन पैरामीटर आपने बस यूज़ करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ ब्लास्ट. ओके, तो यहाँ पर इसको सबको ऐसे करके जिसमें आप इंटरेस्टेड हो ना, बस आपने उसको चेक करते जाना है. ये देखें, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, तो आपने बस एक को यूज़ करना है, ठीक है. हम चार स्पीशीज से डेटा लेना चाह रहे हैं. सेलमोनिला एंटेरिका का हमारे पास ऑलरेडी है जिसका हमने ब्लास्ट करवाया है, दूसरी सेलमोनिला बंगोरी मैंने ये यूज़ की है, एंड नेक्स्ट मैं देखती हूँ कोई स्पीशी है हमारे पास. अच्छा ये देखें, सिट्रोबैक्टर एक और स्पीशी है जिसमें MUTS है, और देखें इसका क्यूरी कवरेज कितनी अच्छी है और आइडेंटिटी लाइक परसेंटेज आइडेंटिटी भी इसकी अच्छी है. सो आई विल यूज दिस वन. सो नाउ आई हैव थ्री सीक्वेंसेस. द नेक्स्ट वन आप जितनी मर्जी यहाँ से जो है ना वो चूज करें, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को हम लोग करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे. सो दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट एंड इट्स पैरामीटर्स ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सिट्रो, दिस वन ओके, एंड पैरामीटर्स आर ओके. तो यहाँ पर हमें जितना भी हम इंटरेस्टेड थे ना, बस हमने उनको सेलेक्ट किया. आप नीचे से ना और भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये काम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम मैंने आपको दूसरे टूल पे भी लेके जाना है, इसलिए बस मैंने तीन चार कर ली है ना. अगर मैं सिर्फ यहाँ दो रखूंगी ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर मल्टीपल अलाइनमेंट वाला रन नहीं होना, तीन चार रखनी, तीन चार पे ही मल्टीपल अलाइनमेंट रन होगी. तो बस मैंने तीन चार कोई भी सिलेक्ट कर ली है जो मैंने इधर से देखा है कि स्पीशीज भी डिफरेंट हैं और इधर से इनके पैरामीटर्स का भी मैंने देखा, ठीक है. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, आई विल देखिए यहाँ से हमने ना क्या करना है, डाउनलोड करना है. डाउनलोड में हमारे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कंप्लीट सीक्वेंस डाउनलोड करना चाह रहे हो, अलाइन सीक्वेंस करना चाह रहे हो, या क्या करना चाह रहे हो, ठीक है. तो लेट मी क्लिक हियर, आई वांट टू सी कंप्लीट. अच्छा ये देखें, कंप्लीट वाला काम किया ना, तो हमारे पास क्या क्या आ गया है. लेट मी सी कि आप लोगों को इस पे स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली कि नहीं. Sharing is bot. See, sharing is bot. Bring your shared window to the front right. Screen share, and now I will share desktop. Okay, that's okay. Okay, students, I think वो जो भी file download हुई है ना, अब आप देख सकते हैं ना, मेरी screen आपके साथ share है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी sequences आ गई हैं. पहली जो है वो सेलमोनिला बेंगोरी की, वो हमारे पास आ गई यहाँ पर. उसके बाद दूसरी जो है सिट्रोबैक्टर्स, उसकी आ गई, ये दूसरी है, ठीक है. तो ये फास्टर फॉर्मेट है ना, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास सीक्वेंस है दूसरा, और यहाँ से नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरा सीक्वेंस है, ये तीसरा सीक्वेंस आ गया. उसके बाद हमारे पास फोर्थ कौन से वाला आ गया, ये वाला आ गया.
तो हमारे पास कितनी टोटल सीक्वेंसेस आ गई अभी, 4, क्योंकि हमने वहां से कितनी सिलेक्ट की थी, 4. तो हमारे पास 4 सीक्वेंसेस आ गई हैं. नाउ वी वांट टू यूज देम. लेट मी मूव इट टू डेस्कटॉप. तो अभी हमारे पास इस फाइल में डेटा आ चुका है. ये जो फाइल है ना, सिक डम्प जो है, इसमें हमारे पास डेटा आ चुका है. वो सीक्वेंस फॉर्म सॉरी उसका फॉर्मेट जो है वो फास्टर है. तो अभी हम यहाँ पर उसको एंटर कर सकते हैं. सो जस्ट चूज फाइल, नीड टू राइट. ओके, तो यहाँ हमारी ये फाइल आ गई है. अच्छा सर, इससे पहले कि ना हम इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करें मल्टीपल अलाइनमेंट को, एक बात कहते हैं, आई होप कि आप लोगों को ना ये ब्लास्ट के थ्रू जो हमने डेटा किया है ना, आपको इसकी समझ आ गई होगी. आई वाज थिंकिंग दिस इज अ शॉर्ट, लाइक दिस इज अ शॉर्ट वे. बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ मुझे 10 स्पीशीज की मल्टीपल अलाइनमेंट करके दें, तो आप क्या करेंगे, बारी बारी प्रोटीन के डेटाबेस में जाएंगे, पहले एक स्पीशी का नाम लिखेंगे, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना वो. तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर एक स्पीशी बस लो, उसका ब्लास्ट करवाओ और उसके क्लोजेस्ट जो भी आ रही है. देखिए अब यहाँ से सिलेक्ट करनी होती तो बहुत अच्छी अच्छी स्पीशीज भी है ना, उनका आगे स्कोर भी अच्छा है. तो बेशक यहाँ से मैं 10 भी चूज कर लेती, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम जस्ट मैंने कहा 4 बहुत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आप 10 पे भी रन करके देख सकते हैं इसको. यहाँ पर ना आप नीचे देख रहे हैं कि ना ये पैरामीटर लिखे हुए एल्गोरिथम के ना, हम बात कर रहे थे ना ऊपर, ये इसने कहा था कि आप फास्ट वाला एल्गोरिदम देखना चाह रहे हो या आप स्लो वाला एल्गोरिदम देखना चाह रहे हो, किस पे काम करना चाह रहे हो ना. तो हमने क्या कहा था, हम स्लो वाले को प्रेफरेंस देंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट एक्यूरेट रिजल्ट देगा, चांसेस ऑफ एरर जो होंगे वो कम हो जाएंगे. तो इसने कहा है कि अगर आप फास्ट यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास ये पैरामीटर्स है एल्गोरिदम के, तो इफ़ यू वांट टू चेंज देम यू कैन. और अगर आप स्लो वाला यूज कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास ये एल्गोरिदम है, ठीक है, सॉरी पैरामीटर है एल्गोरिदम्स के. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल अलाइनमेंट के पैरामीटर्स हैं. तो ये जो है हमारे पास वही वर्ड साइज रखा हुआ है, आप वर्ड साइज कितना चाह रहे हो, ठीक है. तो आप यहाँ पर वर्ड साइज जो है वो चेंज भी कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास यहाँ पर ना वो होता है लाइक DNA की सीक्वेंस होती है ना, तो यहाँ पे अगर आप फास्ट पे जा रहे हो ना, फास्ट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पे जा रहे हो, मैंने आपको कहा था ना के ट्यूपल मेथड जो होगा वो फास्ट के लिए ही होता है. और ये किसके पीछे रन होता है, फास्टा और दूसरा जो है हमारा ब्लास्ट, उसके पीछे रन होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जब भी आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस होगी तो आप 1 रहने दे सकते हैं, इफ अगर आप इसको प्रेफरेंस देंगे इस मेथड को. तो प्रोटीन के लिए 1 रहने दे साइज का, और न्यूक्लियोटाइड के लिए इसका 3 कर लें, ठीक है. अदरवाइज इनके एल्गोरिथम के पैरामीटर्स जो हैं, इनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है, इनको हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जिसने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया होता है उसको बेटर पता होता है कि किस कितना कट ऑफ जो है इन्होंने यहाँ पर उसका प्रोवाइड करना है, लाइक कितनी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट सबके लिए ऑलमोस्ट वर्क करेंगी. So what we want to do, we just need to execute multiple alignment. Okay, so this is the result of multiple alignment. ये फॉर्मेट हमारा आया है, ठीक है. क्लॉस्टल फॉर्मेट हमने चूज किया हुआ था ना, आप फास्टा फॉर्मेट भी वहां से चूज कर सकते हैं, तो फिर वो फास्टे के फॉर्म में आएंगे आपके पास. ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वाले जो काम होते हैं ना, ये सारे प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, वो भी स्टूडेंट के करने वाले होते हैं, ठीक है ना. तो उन्होंने प्रैक्टिस कर करके एक आउटपुट क्लॉस्टल यूज़ किया है. तो अब आपने करना है, आपने फास्ट के थ्रू देखना है कि किस तरह का आउटपुट आ जाती है आपके पास. यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमने क्लॉस्टल 2.1 को यूज़ किया है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, एंड सीक्वेंस टाइप एक्सप्लिसिटली सेट टू प्रोटीन, सीक्वेंस फॉर्मेट इज पीसन, फास्टा पीसन. तो हमारे पास जो सीक्वेंस का फॉर्मेट क्या था, वो फास्टे पीसन था. और हमारा क्या चाहिए, सीक्वेंस 1 उसका जो था सेशन नंबर वो ये था, और उसकी लेंथ कितनी थी, 855 अमीनो एसिड की थी. और सीक्वेंस 2 जो थी उसकी ये सेशन नंबर और ये अमीनो एसिड इतनी लेंथ है. और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर जीन या हर प्रोटीन की एक जैसी ही लेंथ हो, वेरी करती है लेंथ ना. तो ये तो यहाँ पर बाई चांस इस तरह से है कि जितनी भी प्रोटीन है सबकी लेंथ एक जैसी है.
तो आप डिफरेंट, मैंने MUTS को यूज़ किया ना, MUTS जीन को यहाँ यूज़ किया क्योंकि अगर प्रोटीन कोड करती है ना, तो आप किसी भी और जीन को ले सकते हैं जो प्रोटीन कोड करती है. और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कोई लेना जो प्रोटीन कोड करती है, आप 16S को, 18S को इस तरह भी ले सकते हैं जो कि नॉन कोडिंग जीन्स हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ जो है ना, आई थिंक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट प्ले करेगी. आपको याद है मैंने कहा था कि जब मल्टीपल अलाइनमेंट है वो ऐसे ही नहीं डायरेक्टली हो जाती, उसके पीछे भी पेयर वाइज अलाइनमेंट रन होती है ना. पेयर वाइज अलाइनमेंट कैसे, मैंने आपको बताया था जो पहली सीक्वेंस होगी वो दूसरी के साथ जाकर पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट करेगी, फिर पहली सीक्वेंस तीसरी के साथ जाकर पेयर वाइज अलाइनमेंट करेगी, फिर पहली सीक्वेंस चौथी के साथ जाकर पेयर वाइज अलाइनमेंट करेगी. अच्छा चौथी के बाद पाँचवीं के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ चार ही सीक्वेंसेज है, ठीक है. तो उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, वो तीसरी के साथ कर रहा है, वो चौथी के साथ कर रहा है, फिर थ्री फोर के साथ कर रहा है, ठीक है. तो टू जो है वो यहाँ वन के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वन और टू का कॉम्बिनेशन पहले हो चुका है ना. टू टू के साथ अपने साथ ही कभी अपने साथ अलाइनमेंट क्यों करवाएगा, ठीक है. तो टू फोर के साथ और थ्री उसके बाद फोर के साथ. तो थ्री के टू नहीं आ सकता क्योंकि थ्री और टू ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, थ्री और थ्री आएंगे ही नहीं, थ्री और फोर ही सी है. तो आगे इस तरह से इनका